मैंने आपसे एक दफा पूछा था सवाल ये गज़वा हिंद के बारे में, तो आपने मुझे गज़वा हिंद के बारे में आपसे पूछा था, तो आपने मुझे ये बताया था कि हिंद के बारे में जितनी भी रवायात हैं वो सारी ज़ईफ़ या फैब्रिकेटेड हैं, तो ये क्या बात सही है? है तो ऐसा ही मिला जुला कर नतीजा निकाल लेते हैं कि कोई ज्ञान है इनमें। मगर गजवा हिंद जो है कि हिंदुस्तान पर अभी चढ़ाई करनी और फिर क्यामत तक करती रहना, ये तो उसका मफहूम नहीं ना, मफहूम भी बदल दिया उन्होंने। वो तो पहली जंग जो मुसलमान आए हिंदुस्तान पर चढ़ाई करके, सहाबा किराम के बाद ताबेन और उनके साथी, अच्छा उनकी बात थी। अच्छा तो वो आपने तो मुझे यानी कि कहा था कि हिंद की फजीलत में तमाम हदीसें ज़ईफ़ हैं। हिंद की फजीलत में तो सारी ज़ईफ़ ही ज़ईफ़, बल्कि अच्छा मौजू ही होंगी वो गजवा हिंद की बात है ना, अच्छा गज़वा हिंद, ठीक है गजवा हिंद की बात है, फजीलत की तो सारी जल ही है। ठीक है। और जो हिंदुस्तान की फजीलत जो है ना, लोगों ने तो किताबें लिख दी ना कि आदम अलैहिस्सलाम भी यहाँ उतरे, ये हुआ वो हुआ, सब जाली है। सही, तो ये गजवे हिंद की क्या हदीस शरीफ है और उसकी क्या तशरीह है, आप गजवा थोड़ा हिंद की बताओगे? हदीस शरीफ ये है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के दो ग्रोह जो है ना, उनको अल्लाह ताला ने दोज़ख से महफूज कर दिया, एक जो हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा, हाँ दूसरा जो ना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होकर दज्जाल का मुकाबला करेगा। तो ठीक है हजरत अबू हुरैरा रज़ी कहते हैं जब लश्कर जाएगा ना मेरी जिंदगी में, तो मैं उसमें जरूर शरीक हूंगा, ताकि वापस आऊं तो बेहतरीन गाजी हूं और शहीद हो जाऊं तो बेहतरीन शहीद हूं। पहली जंग की बात थी जब मुसलमान हिंदुस्तान आए हैं शुरू में, सही है ये कयामत तक की बात नहीं, इतना अरसा तो हम खुद हुकूमत करते रहे हिंदुस्तान पर, खामखा चढ़ाई करते रहना। सही है। अच्छा उस